Welcome to Maths class. I'm Manpreet, your Maths teacher from Raj International School. Today I'm going to introduce Chapter 7, Understanding Fractions. ठीक है, so fraction बेटे आपने अपनी previous class में भी पढ़ा हुआ है कि fraction क्या होता है और उसके अंदर कौन कौन सी types होती हैं fraction की. फिर भी एक बार मैं आपको दोबारा से बता रही हूँ fraction क्या होता है. पहले हम एक डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल से समझाऊंगी. ठीक है, सो फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल और ग्रुप. फ्रैक्शन क्या होता है? पार्ट. पार्ट का मतलब किसी चीज का हिस्सा. ठीक है, ऑफ अ होल. होल मतलब पूरा, या हम कंप्लीट भी कह सकते हैं. पूरे का या किसी ग्रुप का कुछ हिस्सा, इट मीन्स दैट इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन. लाइक आप सबने देखा होगा, आप सब अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हो ना, तो उसमें आप सब क्या लेकर आते हो जो सबसे फेवरेट होता है सबका? यस, दैट इज अ केक. ठीक है, सो सपोज दिस इज अ केक. अब आप केक ले आए हो तो ऐसा तो नहीं होता ना कि पूरे का पूरा केक आप अकेले ही फिनिश कर जाओ, ऐसा नहीं होता है. आप अपने फ्रेंड्स को भी देते हो तो क्या करते हो, आप केक को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हो. सो सपोज आपने अपने बर्थडे पार्टी पर, आप हैं और साथ आपके 3 फ्रेंड्स हैं, तो मींस आपको कितने पार्ट्स चाहिए केक के? टोटल 4 पार्ट्स चाहिए ना. सो हाउ यू विल डिवाइड दिस केक? दिस इज अ होल. इसको हम क्या बोल सकते हैं? होल. और अ कंप्लीट. कंप्लीट केक है ना हमारे पास. अब मैंने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है इक्वली. ठीक है, सो दिस इज हाफ. जब मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दैट इज अ हाफ. हाफ हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 1/2. दिस पार्ट इज कॉल्ड न्यूमरेटर. इस पार्ट को हम न्यूमरेटर बोलते हैं, अपर पार्ट को. और बीच में आपकी होती है डिवाइडिंग लाइन, और जो लोअर पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड डिनोमिनेटर. ओके, सो अभी ये 2 ही पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, हमें कितने चाहिए? 4 पार्ट्स. देन अगेन वी विल डिवाइड इट. सो अब हमारे पास कितने पार्ट्स हो गए? 1, 2, 3, 4. ओके, सो इट मींस हर फ्रेंड के पास 1-1 पार्ट आ गया. सो मींस जो मेरे पास एक कंप्लीट केक था उसको मैंने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. सो दैट इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन. उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन. ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा फ्रैक्शन क्या है. आप अपनी लाइफ में और फ्रैक्शन कहां कहां देखते हैं? चॉकलेट खाते हैं ना, तो चॉकलेट्स में भी पीसेस बने होते हैं, दैट इज ऑल्सो अ फ्रैक्शन. वो भी हमारे पास फ्रैक्शन ही होती है. यू ऑल्सो ईट अ पिज्जा. सारी जो आपकी फेवरेट चीजें हैं सब में हम फ्रैक्शन बना सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट कम टू द टॉपिक्स विच वी विल लर्न इन दिस चैप्टर. जो हम अंडरस्टैंड करेंगे इस चैप्टर में, दैट आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, मिक्स्ड नंबर्स, कंपैरिजन, लोएस्ट टर्म एंड द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द फ्रैक्शन. ठीक है, नाउ आई विल मेक यू अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन. फ्रैक्शन तो आपको पता चल गया क्या होता है. अब फ्रैक्शन के अंदर भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं. ठीक है, सो हम उनको डेफिनेशन के साथ समझेंगे. सो द टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, फर्स्ट वन इज प्रॉपर फ्रैक्शन. जो पहली फ्रैक्शन हमारे पास है वो है प्रॉपर फ्रैक्शन. न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर. जो आपके पास बेटे प्रॉपर फ्रैक्शन होती है उसमें क्या होता है? जो आपका न्यूमरेटर होता है लेस देन. लेस देन मींस छोटा. किससे? डिनोमिनेटर से. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अभी मैंने आपको बताया था, जो अपर पार्ट होता है फ्रैक्शन का वो न्यूमरेटर होता है और लोअर पार्ट डिनोमिनेटर. तो इसमें आपका जो न्यूमरेटर है वो छोटा होगा डिनोमिनेटर से. इसको हम और क्लियर कर सकते हैं एग्जाम्पल से, लाइक 5/7. सो आपका जो न्यूमरेटर है वो स्मॉलर आ रहा है डिनोमिनेटर से. ठीक है, अगेन नेक्स्ट एग्जाम्पल 6/11. अगेन योर न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर. सो दिस टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, इनप्रॉपर फ्रैक्शन. न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिनोमिनेटर. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? जो आपका न्यूमरेटर होता है दैट इज ग्रेटर देन. ग्रेटर देन मींस बड़ा, और इक्वल टू या फिर बराबर होगा किसके? डिनोमिनेटर के. ठीक है, सो एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल में मैंने क्या लिखा है? 6/5. तो यहां पर आप चेक कर सकते हैं आपका जो न्यूमरेटर है
वो डिनोमिनेटर से ग्रेटर है, तो पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन मेरे पास क्या थी, इक्वल भी हो सकती है। सो नेक्स्ट एग्जांपल में 8 बाय 8 लिखा है, सो इट मींस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल है, सो दिस इज ऑल्सो अ इम्प्रॉपर फ्रिक्शन। ठीक है, नाउ कम टू द थर्ड वन, लाइक फ्रिक्शंस हैव सेम डिनोमिनेटर। जो आपके पास लाइक फ्रिक्शंस होती हैं बेटे, उसमें हमारे पास डिनोमिनेटर सेम होते हैं। लाइक इन द एग्जांपल 3 by 7, 5 by 7, तो हमारे पास दोनों में आप देखेंगे 7 and 7, वी आर हैविंग द सेम डिनोमिनेटर, जो मैंने यहां पर लिखा था सेम डिनोमिनेटर। सो जिस फ्रैक्शन में आपके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, दैट इज कॉल्ड अ लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, नाउ फोर्थ वन, अनलाइक फ्रैक्शंस। सो नेम से ही हमें पता चल रहा है लाइक मीन सेम हो गई और अनलाइक हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर। तो अनलाइक में क्या वर्ड आ गया, सेम की जगह डिफरेंट, और बात हम किसकी कर रहे हैं, फिर से डिनोमिनेटर की ही। तो अनलाइक फ्रैक्शन में जो आपके डिनोमिनेटर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। इन एग्जांपल 3 by 8, 5 by 9, सो हेयर इट इज 8, हेयर इट इज 9, दोनों में अलग अलग डिनोमिनेटर्स है, सो हमने भी डिफरेंट डिनोमिनेटर ही कहा था। ठीक है, एंड द लास्ट टाइप इज द यूनिट फ्रैक्शन, वन एज द न्यूमरेटर। जो भी आपके पास यूनिट फ्रैक्शन होगी बेटे, उसके न्यूमरेटर में हमेशा वन राइट डाउन होता है। ठीक है, फ्रैक्शन विच इज हैविंग वन इन द न्यूमरेटर इज कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। लाइक इन द एग्जांपल 1 by 5 एंड नेक्स्ट इज 1 by 7, तो आप देख सकते हैं न्यूमरेटर में यहां भी वन है और यहां पर भी वन है। ठीक है, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। जब हमें टाइप्स पता होंगी तभी हम आगे फ्रैक्शन चैप्टर को और अच्छे से समझ सकते हैं। सो आई होप यू गॉट द डेफिनेशन ऑफ टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू एक्सरसाइज 7.1। थैंक यू।